सांड को उसकी सींग से पकड़कर उसे पटक देना हर किसी के बस की बात नहीं, लेकिन कोडी राममूर्ति नायडू उर्फ प्रोफेसर रामूर्ति के लिए यह मामूली काम था। मौजूदा आंध्र प्रदेश के वीरघट्टम गांव में पैदा अप्रैल 1882 हुए। रामूर्ति पढ़ने में जीरो थे और लड़ने में हीरो। माँ की मौत हुई और पिता ने उन्हें पढ़ाई के लिए उनके अंकल के पास विजयनगरम भेज दिया। वहाँ राममूर्ति को कुश्ती के बारे में पता चला और वह उसके इतने शौकीन हो गए कि उसमें ही पूरी तरह रम गए। कुछ ही वक्त में उस इलाके में राममूर्ति के बल और साहस के कसीदे पढ़े जाने लगे। राममूर्ति के अंकल ने उन्हें प्रोफेशनल ट्रेनिंग के लिए मद्रास भेज दिया। राममूर्ति प्रोफेशनल पहलवान बनकर लौटे और एक स्थानीय कॉलेज में इंस्ट्रक्टर की नौकरी करने लगे। नौकरी के साथ राममूर्ति ने अपना शक्ति प्रदर्शन जारी रखा। उनकी वायु स्तंभन और जल स्तंभन की कला ने उन्हें पूरे राज्य में मशहूर कर दिया। 1911 में उन्होंने अपना पहला पब्लिक शो किया। जब उन्होंने अपना हुनर दिखाया तो सरकारी महकमे के लोगों के साथ वहां मौजूद दर्शक अवाक रह गए। राममूर्ति ने अपने हाथों की मसल कड़ी करके ही उन पर बंधी लोहे की चेन तोड़ दी। इतना ही नहीं, एक बार उन्होंने अपने सीने पर लकड़ी का पटरा बांधा और लेट गए। उस पर से हाथी गुजरा और राममूर्ति का बाल भी बाका नहीं हुआ। इसके बाद वह पूरे देश में मशहूर हो गए। तत्कालीन वाइसरॉय लॉर्ड मिंटो ने उन्हें चुनौती दी। राममूर्ति ने लॉर्ड मिंटो की कार को पीछे से चेन बांधकर पकड़ा और मिंटो ने पूरी स्पीड से कार को आगे बढ़ाने की कोशिश की, लेकिन वह नाकाम रहे। राममूर्ति की ताकत के सामने कार एक भी इंच आगे नहीं बढ़ सकी। राममूर्ति की ताकत को पूरे देश ने लोहा मान लिया। एक बार कांग्रेस की मीटिंग में राममूर्ति ने परफॉर्म किया तो पम मदन मोहन मालवीय ने उन्हें ब्रिटेन के राजा और महारानी के सामने अपनी शक्ति दिखाने को कहा था। राममूर्ति ब्रिटेन गए और वहां राजा रानी के सामने अपनी ताकत का लोहा मनवा लिया। राजा और महारानी राममूर्ति से इतना खुश हुए कि उन्हें इंडियन हरक्यूलिस की उपाधि दे डाली। उन्हें कलयुगी भीम भी कहा गया। राममूर्ति एक सर्कस कंपनी के मालिक बने और देश विदेश में सर्कस लगाकर दुनिया भर में विख्यात हो गए। हालांकि आपको जानकर हैरानी होगी कि राममूर्ति ने कमाई हुई बेपनाह दौलत का ज्यादातर हिस्सा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के लिए दान कर दी। ये भारत है हिंदुओं का देश, यहाँ सब असंभव कार्य है जिसे सिर्फ किस्से कहानियों की बातें कह के छोड़ दी जाती है, वो सब संभव हुए हैं। दोस्तों, मेरी कहानी को अपना अनमोल समय देने के लिए आप सभी का तहे दिल से शुक्रिया। यदि मेरी कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो प्लीज कमेंट करें और सब्सक्राइब करें। आपका एक एक कमेंट और सब्सक्राइब मेरे लिए बेशकीमती है।